अब जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक मामले में आईजी विकास कुमार के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल शैताना राम को गिरफ्तार किया गया। कई राज्यों के चक्कर काटने के बाद चढ़ा पुलिस की हत्थे। स्पेशल टीम ने हैदराबाद तक इसका पीछा किया। हैदराबाद के बाद गंगानगर पहुंचने पर स्पेशल टीम ने इसे गिरफ्तार किया। 50,000 के इनामी शैताना राम को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पूछताछ में पेपर लीक मामले के कई वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पेपर लीक मामले के पूरे नेटवर्क को तोड़ने से कामयाबी इसमें मिल पाएगी। थोड़ी देर में एटीएस की टीम को सुपुर्द किया जाएगा बड़ी जानकारी, क्योंकि पेपर लीक माफियाओं की कब्र तोड़ना प्रशासन, पुलिस अमला और राज्य सरकार की पहली मंशा के रूप में सामने उभर कर आने की बात कही गई थी, और इसी वजह से एक के बाद एक कार्रवाई विभिन्न जिलों में की जा रही है। पेपर लीक के सरगना हो या फिर डमी कैंडिडेट बिठाने वाले बदमाश, पेपर लीक माफियाओं का जो चक्रव्यूह सा बना है उसे तोड़ना बेहद जरूरी, क्योंकि ऐसे में उन होनहार विद्यार्थियों और उन होनहार अभ्यर्थियों के साथ भी धोखाधड़ी जो लंबे अरसे से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव जी, बताइएगा, पेपर लीक मामले के नेटवर्क को तोड़ने में कामयाबी मिलेगी क्योंकि एक आरोपी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बताइएगा, अब कैसे गिरफ्तारी इसकी हो पाई और अब क्या संचालित करता था ये गैंग में? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पद संभालने के तुरंत बाद कहा था कि पेपर लीक मामले को लेकर के सरकार की गंभीरता रहेगी, राजस्थान पुलिस ने अलग अलग फेसेस के अंदर कई आरोपियों को पकड़ा। जोधपुर में भी आईजी विकास कुमार के डायरेक्शन में काफी बड़ी कार्रवाइयां हुई है। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, जब एक आरोपी जो कि राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल शैताना राम है, वो फरार चल रहा था, उसको जिस तरीके से पहले हैदराबाद तलाशा गया, वो गंगानगर के अंदर गिरफ्तार हुआ है, उसको जो देखे जोधपुर आए, एटीएस की टीम को कुछ देर उसको सुपुर्द किया जाएगा। और आईजी विकास कुमार ने जिस तरीके से जानकारी दी है उससे ऐसा लगता है कि पूछताछ में काफी कुछ और रहस्य से पर्दा हटेगा और कई और भी आरोपी जो है वो इससे सामने आ सकते हैं। हालांकि फिलहाल अब एटीएस को सुपुर्द किया गया, एटीएस अपनी पूछताछ करेगी, दूसरी और एजेंसियां वो भी पूछताछ करेगी, लेकिन कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को राजस्थान पुलिस ने पूरा करने का काम किया। जी ठीक है राजीव जी, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जी बता रहे थे, पेपर लीक गिरोह से जुड़े तार जब सूचना मिली कि जोधपुर तक भी आए हैं, तो फिर ऑपरेशन को और तेज किया गया। अब थोड़ी देर में एटीएस की टीम को सपोर्ट किया जाएगा ताकि अन्य लोगों के बारे में भी पता लगाया जा सके जो इस गिरोह से जुड़े हैं।